नमस्कार, मैं कुशल कुमार, चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? आंसर है ऋतुराज अवस्थी। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न हो रहा है। जैसा कि स्क्रीन पर एक पहला प्रश्न देख लिए कि लोकपाल के रूप में जो है न्यायिक सदस्य के रूप में किसे शपथ दिलाया, तो एक आंसर मिला ऋतुराज अवस्थी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ भी और दो चार यहाँ पर प्रश्न बनने वाले हैं, और वो प्रश्न किस प्रकार के होंगे वो एग्जाम में कैसे पूछेगा, ठीक है, उसके बारे देखते हैं। तो भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, याद रखेंगे लोकपाल के अध्यक्ष कौन है भारत के, तो न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतु राज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो दोस्तों, भारत के 22वें, तो यहाँ पर प्रश्न फिर बन सकता है कि भारत के 22वें विधि आयोग कौन थे, तो यहाँ पर आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी। देखिए, उसी प्रश्न को आपको क्या है टर्न कर रहा है, यानी घुमा के पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इस तरह से जो है लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, तो ऋतुराज अवस्थी। उसी प्रश्न को घुमा के पूछा जाएगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, समझ में आ गया। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और एक प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर काम कर चुके हैं या नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर होगा ऋतुराज अवस्थी। या उसी को फिर टर्न करके पूछा जाए कि ऋतुराज अवस्थी किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो आंसर होगा कर्नाटक। समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही आपका दो तीन प्रश्न यहाँ पर मिला। अब फिर आगे देखते हैं, वही पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है और एक प्रश्न बन सकता है कि ऋतुराज अवस्थी के अलावे कौन से दो सदस्य हैं जिन्हें लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा पंकज कुमार और अजय तिर्की। समझ में आ गया, क्लियर है। अगला प्रश्न है, अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है, तो दोस्तों आंसर है सरफुदोला इब्ने साहिद। अब देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में और इनसे संबंधित और दो चार प्रश्न के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश के सरफुदोला इब्ने साहिद हाल ही में अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी जो है अंपायर हैं। वहीं भारत के, ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो दोस्तों नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर और पूछा जा सकता है, भारत के 5वीं बार जो आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले जो एम्पायर है किसे चुना गया है, तो भारत के जो है नितिन मेनन को, ठीक है, उसे कितनी बार, 5 बार, ठीक है, और वह ऐसे पहले भारतीय हैं जो इस एलिट पैनल में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। समझ में आ गया।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? आंसर है तेलंगाना में। दोस्तों कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जट चेरला मंडल में पाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल का जो पुराना कन्नड़ शिलालेख है वह तेलंगाना के किस जिले के किस मंडल में पाया गया? तो दोस्तों तेलंगाना के महबूब जिले के जट चेरला मंडल में पाया गया। ठीक है, यह समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। पुरातत्ववेत्ता और प्लेज इंडिया फाउंडेशन, पुरातत्ववेत्ता जो इनकी खोज करते हैं और प्लेज इंडिया फाउंडेशन के सीईओ ई शिवनागी रेड्डी ने बताया कि, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि प्लेज इंडिया फाउंडेशन के सीईओ कौन है? तो यहाँ पर कौन होगा? ई शिवनागी रेड्डी है। अब उसके आगे फिर देखते हैं, भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करे अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला। तो दोस्तों यहाँ पर और एक प्रश्न बन सकता है, जो कन्नड़ शिलालेख है वह किस अभियान के तहत यह मिला था? तो कौन सा होगा? अभियान क्या था? भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करे, इस अभियान में यह जो कन्नड़ शिलालेख है इसका जो राजवंश के बारे जो बताया गया वो पुराना शिलालेख मिला था। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों। तो अगला है प्रश्न, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो दोस्तों आईपीएल जो अभी चल रही है उसमें सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला टीम कौन सा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद आंसर होगा। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम जो टोटल का रिकॉर्ड है सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है। सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवर में 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर जो रन बनाए जो अब तक का सबसे बड़ा टोटल है, नहीं स्कोर है। इससे पहले आरसीबी ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 रन बनाए थे 5 विकेट पर का स्कोर बनाया था। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, अब यहां पर प्रश्न बनने जा रहा है देखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न से ही दो तीन प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आईपीएल इतिहास में सनराइजर हैदराबाद जो सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर और पूछा जा सकता है प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्रश्न बनते जा रहे हैं। सनराइजर हैदराबाद आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर कितना बनाया था, यानी स्कोर जो बनाया था वो कितना था? तो 277 रन, ठीक है, T20 में 277 रन बनाए थे। दोस्तों इससे पहले अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि इससे पहले जो सबसे बड़ा स्कोर बनाए थे, यानी 2013 की बात करेंगे, यानी 2013 में कौन सा टीम ने और किसके खिलाफ 263 रन बनाया था, जो दूसरा सबसे बड़ा हाई स्कोर है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि आरसीबी ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बनाया था। याद रखिए किस टीम के खिलाफ? पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 रन बनाया था। और फिलहाल जो अभी जो चल रही है जो आईपीएल में, यानी 2024 की बात करें, तो इस 2024 में
सनराइजर हैदराबाद किस टीम के खिलाफ? मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाया था, याद हो गया, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर है जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाई, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 16 हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनेगा, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्या बन रहा है कि जस्टिस हाल ही में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला आंसर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो न्याय जम्मू कश्मीर में न्यायाधीशों की संख्या और मुख्य न्यायाधीश तो मिलाकर टोटल कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आंसर होगा 16, याद रखेंगे 16 सिर्फ न्यायाधीशों की संख्या नहीं है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या को भी मिलाकर 16 हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? इसका मतलब है दोस्तों जो खाड़ी देश होता है वो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अलका, अब याद रखेंगे यहां पर देखेंगे, रूमी अलका तानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अलका तानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि देखिए यहाँ जो देख रहे हैं पहला प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न जो है उसी को क्या टर्न करके पूछा जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल थोड़ा बना के पूछा जाए। रूमी अलका तानी जो है पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की जो है पहली यानी प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रही है, वह किस खाड़ी देश की है? तो आंसर होगा सऊदी अरब, ठीक है, समझ में आ गया। या उसी को पूछा जाए कि सऊदी अरब में जो है पहली बार यानी खाड़ी देश सऊदी अरब में जो की पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कौन है? तो दोस्तों कौन होगी? रूमी अलका तानी। प्रश्न को ही घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपके पास अगर डिटेल है तो फिर आप उस जितना कॉन्सेप्ट आपके पास होगा आप उस प्रश्न का आंसर भी आसानी से देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये था जो है पहला प्रश्न बन सकता था, अब दूसरा प्रश्न क्या बनेगा देखेंगे कि दोस्तों मिस मिडिल ईस्ट, देखिए प्रश्न कैसे हो रहा है, मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल किसने जीता था? तो दोस्तों किसके द्वारा? रूमी अलका तानी के द्वारा, जो अरब सऊदी अरब है जो पहला खाड़ी देश है इस तरह से, वो यह टाइटल जीती थी और अभी भाग लेने वाली भी सऊदी अरब की पहली जो है मुस्लिम देश की यह पहली महिला जो प्रतिनिधि के रूप में होगी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे,
म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा अभय ठाकुर को, अनुभवी राजनयिक अभय ठाकुर को हाल ही में म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभय ने पिछले साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। अभय भारतीय विदेश सेवा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 1992 बैच के अधिकारी है और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत है। तो दोस्तों एक प्रश्न जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब दूसरा जो प्रश्न होने जा रहा है, और दूसरा प्रश्न होगा कि भारतीय जो है विदेश सेवा यानी IFS जो 1992 बैच के अधिकारी है वो कौन थे यानी कौन है। तो दोस्तों कौन होंगे? अभय ठाकुर है। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो वर्तमान समय में अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नामित किया गया है, वह किस मंत्रालय के तहत कार्यरत यानी कार्य कर चुके थे। तो दोस्तों किस जो है कर चुके हैं? विदेश मंत्रालय के तहत। ठीक है, याद रहेगा। देखिए दोस्तों छोटा छोटा चीज आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी से संबंधित जो प्रश्न है वो बनता है। ठीक है, अगला है लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों आंसर होगा अदानी पावर लिमिटेड। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जिसको कहा जाता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न भी और एक प्रश्न बन सकता है कि लेंको जो है अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के द्वारा जो अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है वह कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों कितना है? 100% है। अदानी पावर लिमिटेड जो एक्वायरर है, जो एक्वायर किया है अदानी समूह ने, अदानी समूह की एक कंपनी है। लेंको अमरकंटक किस प्रकार है? ताप बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? तो ताप बिजली उत्पादन की वाले कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो NIA कहा जाता है का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर है सदानंद वसंत दाते, महाराष्ट्र केडर के अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जिसको कहा जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन जो है एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? सदानंद वसंत दाते को। ठीक है, आगे दोस्तों, वही पीयूष आनंद को NDRF महानिदेशक और राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो नियुक्त किया गया है इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग पद में उसको नियुक्त किया गया है। पहला जो है NIA का जो अध्यक्ष का जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत दाते को। NDRF के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद को। दूसरा है दोस्तों BPRD जिसको कहा जाता है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार शर्मा को। तो दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो और 3 यहाँ एक्स्ट्रा प्रश्न बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अगर उसका डिटेल जो है कॉन्सेप्ट अगर याद रख लेते हैं तो फिर आपका आंसर देने में आसान हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है। तो जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको इस प्रश्न का जो है सॉल्व करने के लिए यानी आंसर देने के लिए मैंने दिया था, सभी ने आंसर भी कर लिए होंगे, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में चल रहे मेदिन पोया पर के शुभ अवसर पर भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो श्रीलंका की राजधानी जो कोलंबो के श्री संबोधि महाविहार मंदिर में, कहां पर, श्री संबोधि महाविहार मंदिर में एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और समूचे भारत में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की तस्वीरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों ये श्रीलंका में कहां पर कर रहा किया जा रहा है, कोलंबो के श्री संबोधि महाविहार मंदिर में। ठीक है, और दूसरा दोस्तों ये जो प्रदर्शनी हो रहा है जिसको मेदिन पोया उत्सव कहा जा रहा है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये भगवान बुद्ध के जो जीवन से जुड़ा हुआ है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है या समूचे भारत स्थित बौद्ध धर्म की यानी बौद्ध तीर्थ स्थलों की तस्वीरों को प्रदर्शित जो है किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में एक आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप तक पहुंच गई और आप समझ भी गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो चंदन क्लासेस एप्स में क्लास कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।